Morning everyone. Today we will do word problems of page number 80. So firstly we will read the first word problem. A sack of wheat weighs 20 kg. 14 kg of wheat is taken out. How much wheat is left in the sack? Iska meaning hai, एक सैक में 20 केजी वीट है, उसमें से 14 केजी जो वीट है वो निकाल लिया गया है. टेकन आउट मीन्स निकाल लिया. हमने फाइंड आउट करना है जो वीट है वो कितना लेफ्ट है, हमारे पास कितना वीट सैक के अंदर बच गया. इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस. और हम सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम फ्रेम करेंगे लाइक दिस. टोटल वीट इन सैक. सबसे पहले हम टोटल वीट लिखेंगे 20 केजी जो कि गिवन है क्वेश्चन में. उसके बाद टेकन आउट वीट, जो वीट हमने उसमें से निकाल लिया 14 केजी. इन दोनों को माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके जो आ गया वो हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट वीट, जो वीट हमारे पास बच गया. Okay, now we will read the second word problem. Rahul had 16 kg 600 grams of apples. He sold 12 kg 240 gram apples. How much wheat of apples is left with him? Iska meaning hai, Rahul ke paas 16 kg 600 grams apples hain. उसमें से उसने 12 केजी 240 ग्राम एप्पल्स हैं जो वो सेल कर दिए, मींस बेच दिए. हमने फाइंड आउट करना है वेट ऑफ एप्पल्स जो राहुल के पास बच गया. इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे बाय फॉर्मिंग इट्स वर्ड प्रॉब्लम. सबसे पहले लिखेंगे टोटल एप्पल्स 16 केजी 600 ग्राम्स जो कि क्वेश्चंस में गिवन है. उसके बाद सोल्ड एप्पल्स 12 केजी 240 ग्राम्स. फिर करेंगे इन दोनों को माइनस, और माइनस करने के बाद भी यहाँ लिखेंगे केजी एंड यहाँ लिखेंगे ग्राम. उसके बाद यहाँ लेफ्ट एप्पल्स, क्योंकि जो माइनस करके आ गया वो लेफ्ट है, जो बच गया, जितने एप्पल्स लेफ्ट रह गए बच गए वो निकल आए, इन दोनों को माइनस करके. ऐसे ही आपने थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन प्रॉपरली रीड करके ऐसे ही वर्ड प्रॉब्लम फ्रेम करके सेम ऐसे ही सम्स करने हैं. बस आपने केयरफुली इसको रीड करना है अच्छी तरह से, फिर इसकी वर्ड प्रॉब्लम आप कैसे भी फ्रेम कर सकते हो, बस उसका मीनिंग होना चाहिए. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.